हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं डिलीवरी के टाइम आपको कट क्यों लगाया जाता है, किस सिचुएशन में लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, वो कितने दिन में ठीक होता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हैं तो और आपको नहीं पता है कि डिलीवरी के टाइम जो कट लगाया जाता है उसमें पेन होता है या फिर नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को क्लिक करके, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। पहले बात करते हैं डिलीवरी के टाइम पे कट क्यों लगाया जाता है। डिलीवरी के टाइम पे माँ अच्छे से डिलीवर कर ले अपने बेबी को और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वहाँ पे कट लगाया जाता है। जब बेबी ईजिली बाहर नहीं आ पाता है तो वहाँ पे कट लगा दिया जाता है। सेकंड थिंग है कि डिलीवरी के टाइम पे हर डॉक्टर कट लगाते हैं, हर लेडीज़ को कट लगता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि अगर बेबी का हेड बड़ा है उस सिचुएशन में डॉक्टर कट लगा देते हैं, अगर बेबी का वेट ज़्यादा है उस सिचुएशन में भी डॉक्टर कट लगा देते हैं। अगर बेबी का वेट ठीक है, नॉर्मल है, और कभी कभार उसमें भी डॉक्टर कट लगा देते हैं। अगर बेबी का वेट भी ठीक है और माँ भी अच्छे से डिलीवर कर पा रही है और बच्चे को आने में बाहर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस सिचुएशंस में भी कट लगा दिया जाता है। और कई बार सिचुएशन ये होता है कि अगर माँ डिलीवर कर रही है बेबी को और अपने आप वहाँ का स्किन जो है अपने आप फट जाता है, तो उस सिचुएशंस में कट स्टिच नहीं लगता है वहाँ पे। तो और वो आपके बेबी के वेट के अनुसार रहता है कि आपको जनरली आपको 4 से 5 स्टिच लगते हैं। अगर आपके बेबी का वेट ज़्यादा है तो आपको 10 स्टिच भी लग जाते हैं, क्योंकि मेरा जो था, मेरा बेबी का जो हेड था वो काफ़ी बड़ा था, तो आने में बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो डॉक्टर ने क्या किया कि मेरा बहुत ज़्यादा कट कर दिया था, तो मुझे 10 स्टिचेस लगे हुए थे वहाँ पर। और जब डॉक्टर काटते हैं तो उस समय आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। बहुत सारे माँ जो बनने वाली हैं उनके दिमाग में होता है कि क्या कट लगता है तो उससे हमको पेन होता है क्या उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा उस टाइम पे पेन बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल डिलीवरी का, इसलिए उस टाइम पे आपको पेन बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन वहाँ पे एनेस्थीसिया का डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं और वहाँ पे उसके बाद स्टिचेस लगाई जाती हैं। स्टिचेस में भी आपको पता नहीं चलता है, बट जब स्टिचेस लगाने के बाद 1 या 2 घंटा हो जाते हैं और जब डॉक्टर बोलते हैं कि आप वॉशरूम जाओ, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा जलन होता है वहाँ पर, और उसके बाद आपको पेन होता है। लेकिन डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं सूखने वाले, उसके बाद आपको 15-20 दिनों में आपका ठीक हो जाता है, 15-20 दिन आपका लग जाता है। अगर आपका ज़्यादा स्टिच लगा है तो 15-20 दिन लग जाता है, अगर आपका कम स्टिच लगा है तो 5-7 दिन में वो ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं कि स्टिच जो होता है वो आजकल जनरली डॉक्टर गलने वाला देते हैं, जो जिसको निकालना नहीं होता है वो अपने आप जैसे सूखते जाता है स्टिच और गलते जाता है, तो उसको उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि उसको टाका निकाला जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो अपने आप गल। फर्स्ट बार माँ बनने वाले हैं, आपको लगता है कि वो निशान रह जाएगा या फिर वो पता चलेगा, वो बाद में जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, बिल्कुल भी बाद में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बिल्कुल गल जाता है, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कभी स्टिच भी लगा। ज़्यादा पेन आता है और आप बैठने उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आप उसके लिए कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। आप फर्श पे ना बैठ के, आपको गद्दे
वाली जगह पे बैठना है, जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, इस जगह पे आपको बैठना है। आपको नीचे कभी भी उस टाइम पे नहीं बैठना है। जब आपका ठीक हो जाता है, जब आप नॉर्मल हो जाते हैं, तब आप बैठ सकते हैं। अगर आपका जब सूखने लग जाता है तो आप फिर आराम से फर्श पे आप बैठ सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि स्टिच लगता है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में आप एक या दो दिन रहते हैं तो उस बीच में नर्स जो होती है आपको वहाँ पे गुनगुने पानी और उसमें बेटाडीन या फिर डिटॉल तो कुछ भी ऐसा डाल के और वहाँ पे सिकाई करता है वो लोग। बट हम घर पे जब आते हैं तो ये चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत है। आप जब घर पे भी आते हैं, जब तक आपका स्टिच नहीं सूख रहा है, जब तक आपको वहाँ पे पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, तब तक आपको वहाँ पे आपको सिकाई करना है खुद से, या फिर घर में और किसी से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उनसे करा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी वो कर सकते हैं। या फिर आपको सिकाई करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप टब में गुनगुने पानी का टब में बैठ जाएं और उसमें डिटॉल या फिर बेटाडीन डाल के आप कुछ देर आई थिंक 20 मिनट या फिर हाफ आवर आप बैठ सकते हैं उसमें। तो इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और आपका बहुत जल्दी वो चीज़ ड्राई हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्टर से पहले बात कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरे को आप एनेस्थीसिया का वहाँ पे इंजेक्शन देंगे या फिर नहीं देंगे। इस तरीके से आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं इस बारे में, या फिर आपको कट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ये तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका बेबी ईजिली बाहर आ जाएगा तो आपको कट नहीं लगेगा। तो यहीं पे आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।